एमएनटी न्यूज नेटवर्क में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। एमएनटी न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से विश्व मूल निवासी दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और मंगल कामना। साथियों, आज 9 अगस्त है, पूरे देश में विश्व मूल निवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम विश्व मूल निवासी दिवस को लेकर बातचीत करेंगे। आज जो हमारे साथ बातचीत करेंगे मूल निवासी अजय जिनवाल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में राज्य उपाध्यक्ष है, और जिन्होंने मूल निवासी पहचान को लेकर एक किताब भी लिखी है, आज वो हमारे साथ है। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं, हमारे पूरे टीम की ओर से सर को विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से भी सभी मूल निवासियों को और एमएनटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को जो है विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक मंगल कामना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारत है वो हजारों सालों से जो है एक पहचान के संकट से जूझ रहा है, और ये पहचान का संकट ही उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन का कारण है। तो वो कौन सी पहचान है जिनके कारण जो है भारत के जो लगभग 85% लोग हैं वो इस संकट से जूझ रहे हैं। और ज़्यादातर देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पहचानों के लोग रहते हैं वो भारत में ही लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो 6,743 जातियों में बटे हुए, तो इसका मतलब उनकी 6,743 पहचानें भी हैं। और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि एक ही जाति की कई सारी पहचानें हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो भारतीय समुदाय जो है हजारों लाखों पहचानों में बटा हुआ है। तो पहचान जो है वो दो तरह की हैं। एक पहचान है जो हमारे अंदर सकारात्मक भावना पैदा करती है, एक वो पहचान है जो हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा करती है। अगर हम बहुजन, मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगर इन पहचानों को देखेंगे तो ये ऐसी पहचान है जो हमारे अंदर सम्मान का और गर्व का भाव पैदा करती हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी पहचानों को देखते हैं, जैसे दलित है, महादलित है, या अछूत है, या अन्य और पहचानें हैं, या जाति की पहचानें हैं, ये सारी की सारी पहचानें जो हैं ये हमारे अंदर एक कमजोरी का भाव, एक निम्नता का भाव, एक तुच्छ का भाव हमारे अंदर पैदा करते हैं, हमारे अंदर ये श्रेष्ठ भावना पैदा नहीं करती है। और यहाँ तक देखते हैं कि जाति की पहचान तो समाज को तोड़ने का ही काम करती है, जबकि कोई समाज की सामूहिक पहचान नहीं है। और जब तक समाज की एक सामूहिक पहचान नहीं होगी तब तक जो है समाज इकट्ठा नहीं हो सकता, और जब समाज इकट्ठा नहीं होगा तो समाज अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन पहचानों में भी अलग अलग पहचानें हैं। एक पहचान हमारे महापुरुष हमें दे रहे हैं, और दूसरी पहचान है जो हमारा एनिमी है, जो नहीं चाहता कि इस राष्ट्र का विकास हो, वो पहचानें भी हैं। तो हमारे महापुरुषों ने हमें कौन सी पहचानें दी वो हमें पता होना चाहिए। संविधान में हमें कौन सी पहचानें दी गई हैं, कौन सी पहचानें गैर संवैधानिक हैं और कौन सी पहचान जो है संवैधानिक है। जैसे अगर हम ये देखें, मूल निवासी ये संवैधानिक पहचान है, इसी तरीके से दलित जो है वो गैर संवैधानिक पहचान है, संविधान में कहीं भी जो है दलित शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हमारे महापुरुषों ने भी हमें दलित नहीं कहा है, लेकिन हम धड़ल्ले से जो है दलित शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, अभी जैसे बात आई कि आदिवासी, आदिवासी शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो आदिवासी जो टर्मिनोलॉजी है ये टर्मिनोलॉजी एक सही अनुवाद नहीं है। जैसे इसका जो रियल जो अनुवाद है, जैसे इंडिजियस है, अबोजिनल है। इंडिजियस जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको, इस शब्द को मान्यता मिली, और उसका जो वहाँ पर वहाँ के चार्टर में जो इंटरनेशनल इंडिजियस फॉर्म है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, और जिसका ये काम है कि वह ये देखे कि दुनिया के मूल निवासियों के हक अधिकार उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन में 1982 के दशक में जो है इस विषय पर बात हुई, और दुनिया के मूल निवासियों के प्रतिनिधियों ने वहाँ हिस्सा लिया। और फिर दुनिया का जो, दुनिया को चलाने वाली जो सरकार है यूनाइटेड नेशन एक तरीके से, उसके संविधान में मूल निवासियों के अधिकारों को जोड़ा गया,
और इसमें ये कहा गया कि हर देश के मूल निवासियों का उस देश के जल जंगल जमीन पर और उनसे पैदा होने वाले जो उत्पादन है उन पर पहला अधिकार होगा। तो इस तरीके से आज हम इस भारत के जो मूल निवासी SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन इस देश के जल जंगल जमीन पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप मणिपुर की या आदिवासी मूल निवासी क्षेत्रों की जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनके अगर देखोगे उन एरियो में, तो वहाँ जो दंगे हो रहे हैं, वहाँ जो जिन्हें हम माओवादी कह रहे हैं वो माओवादी नहीं है बल्कि वो मूल निवासी हैं। वो मूल निवासी हैं जो जंगलों में जिनके पूर्वज लगातार रहते हैं और उन जंगल के संसाधनों पर उनका अधिकार है। उस संसाधनों के लिए अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें वो माओवादी कह रहे हैं वो। तो साथियों हमें समझने का वो है कि इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार उनको नहीं मिले हैं। उन प्रोडक्शन पर, उन फैक्ट्रियों पर, उन उत्पादनों पर, संसाधनों पर जो है पूंजीपति और सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कब्जा जमा रहे हैं और लगातार जमाते आ रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये पहचाने कि हम आखिर कौन है, हम आखिर कौन है। जब ये वाला सवाल हमारे अंदर आता है, ये सवाल आज से नहीं है, ये हजारों साल से हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं कि हम हैं कौन। और जो वर्तमान में आज हम हैं, जो हम वर्तमान में हैं और जो हमें कहा जा रहा है वर्तमान में कि तुम यो हो तुम, ये हो तुम, तो क्या हम वही हैं? साथियों हम वो नहीं है जो आज हमें है। हमारा एक अपना इतिहास है, हमारा एक सुनहरा इतिहास है। हम इस देश के मूल निवासी, हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, तो हमें ये समझना चाहिए। और इसलिए जो मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि जो इस देश के मूल निवासी हैं भी वो समझें कि हम जो है दलित पिछड़े नहीं हैं, हम निम्न नहीं हैं, हम छोटी जाति के लोग नहीं हैं, बल्कि हम इस देश के मूल वासिंदे हैं, हम इस देश के मूल शासक हैं। और इस दिवस के माध्यम से हम लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आज पूरा देश विश्व मूल निवासी दिवस मना रहा है, लेकिन अगर हम अपने आप को मूल निवासी कहे तो क्या फायदा होने वाला है इससे मूल निवासियों का, या क्यों हम अपने आप को मूल निवासी कहें? मैं इसमें एक बात बहुत आज वर्तमान के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो है सांप्रदायिक दंगे की जो राजनीति है वो लगातार होती रही है, और आज भी वर्तमान में कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिली हैं। चाहे भी पिछले साल 2 साल पहले जो है दिल्ली के दंगे रहे हो, या मणिपुर की हिंसा रही हो, या अन्य पूरे देश भर में ये माहौल क्रिएट हो रहा है। खासकर इस देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र की भावना संकल्पना लोगों में भरी जा रही है, मतलब इस देश को एक धर्म का देश बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो मूल निवासी पहचान है वो उसका क्या रोल है, मूल निवासी कहने से क्या होता है? साथियों यदि मान लिया जाए कि मुसलमान और इस देश के जो गैर हिंदू हैं, मतलब जो SC ST OBC हैं, अगर वो अपने आप को मूल निवासी मानते हैं और समझ जाते हैं कि वास्तविक रूप से हम पहले मूल निवासी हैं, बाद में हम किसी धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि जो हमारा एनिमी है वो मनुवादी जो लोग हैं, जब वो हिंदू के आधार पर लोगों को मुसलमानों के विरोध में खड़ा करेंगे, और हिंदू जो सो कॉल्ड मूल निवासी हैं वो ये समझ जाएंगे SC ST OBC कि हम हिंदू नहीं हैं बल्कि हम तो इस देश के मूल वासिंदे हैं, और मुसलमान भी जो है वो मूल निवासी है, हम भी भाई हैं। मतलब मुसलमान पहले मूल निवासी है, मुसलमान भी ये समझ रहा है मैं मूल निवासी हूँ, और SC ST OBC जो अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं वो भी अपने आप को मूल निवासी मान रहे हैं। तो जब ये दोनों ही अपने आप को मूल निवासी मानने लगेंगे, तब हमारे एनिमी की जो मनसा है, जो उसकी कूटनीति है कि वो इन दोनों को लगातार लड़ाता रहे और देश में जो है हिंदुत्व के नाम पर शासन और सत्ता में बैठा रहे, तो वो जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। मतलब मूल निवासी एक तरीके से हमारे एनिमी के विरोध में एक हथियार का काम करता है, एक तरीके से ये एक मिसाइल है जो हमारे एनिमी के मंसूबों को बेनकाब कर देता है। और हम ये भी समझना चाहिए कि जो हिंदुत्व है या हिंदू है, ये एक राजनीतिक शब्द है, ये एक सामाजिक या धार्मिक शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी कहीं हिंदू नाम का शब्द नहीं है। वो अपने आप को सनातनी धर्म के लोग कह रहे हैं,
और वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। हिंदू शब्द कब आया? हिंदू शब्द तब आया जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने लोकतंत्र लाने की पेशकश की, तो ब्राह्मणों को ये समझ में आ गया कि इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र आया तो हम तो अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण अपने आप को समझे, तो फिर हम कैसे शासन करेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन पिछड़ों को भी जो है अपने सांचे में बांधकर और सत्ता में आया जाए। तो उन्होंने हिंदुत्व संकल्पना रखी और सबसे पहली बार जो राजा राममोहन राय ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो साथियों, मूल निवासी शब्द जो है वो सांप्रदायिक ताको इस देश के अंदर रोकता है, जातिवाद के जो दंगे हैं उनको भी ये रोकता है, और हमारा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास भी जो है ये करता है। इसलिए हमें मूल निवासी अपने आप को कहना चाहिए। इसका मूल कारण ये है, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। पहला है हमारे वो लोग जो दलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या तो वो अज्ञानता में है या राजनीतिक कारण, राजनीतिक रूप से ऐसा कर रहे हैं। दूसरा मत ये भी हो सकता है कि हमारा जो एनिमी है वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहा है ताकि हमारे लोग इकट्ठा ना हो पाए। भाई अगर दलित शब्द को देख रहे हैं तो क्या दलित है कौन? दलित केवल शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां अपने आप को दलित मान रही हैं, सारी जातियां उसमें भी नहीं मानती। ओबीसी अपने आप को दलित नहीं मानता, शेड्यूल ट्राइब्स अपने आप को दलित नहीं मान रहा। तो अगर हम SC ST OBC को और इनसे कन्वर्टेड लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम दलित शब्द के साथ उन्हें कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें एक मूल पहचान चाहिए। और दलित जो है एक अवस्था है, ये पहचान नहीं है। जैसे अगर एक कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति को हम कहेंगे कि बीमारू, लेकिन बीमारू क्या उसकी एक मूल मूल पहचान है? वो तो एक उसकी अवस्था है। इसी तरीके से दलित भी एक अवस्था है, दलित एक पहचान नहीं है। उनकी मूल पहचान क्या है? उसकी उनकी मूल पहचान जो है मूल निवासी है, ये उनकी, और संविधानिक पहचान जो उनकी SC ST OBC है। सर आखिरी सवाल हमारे ये कि जैसे आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय विश्व मूल निवासी, क्या केवल ये भारत में ही मनाया जाता है क्या अन्य देशों में भी इसको मनाते हैं लोग? दुनिया के कई देशों में इस दिवस को मनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में मनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है, और तमाम अन्य, जैसे जैसे अगर हम तीन सभ्यताओं की बात करें, मेसोपोटामिया, मिसिसिपी और हड़प्पा, दुनिया में ये तीन सभ्यता ऐसी सभ्यता हैं जिन्हें सबसे विकसित और सबसे बड़ी सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो मूल निवासियों की बात हो रही है तो इन तीन लोगों को देखते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसके जो हमारे पूर्वज रहे, हमारी सभ्यता है वो। मेसोपोटामिया सभ्यता देखते हैं हम, मिसिसिपी सभ्यता देखते हैं, तो ये मूल वासिंदे रहे हैं। और बाद के जो लोग इन महाद्वीपों पर, इन उपमहाद्वीपों पर आए, उन्होंने इस देल के जंगल जंगल पर जमी, जैसे आर्यंस लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले अगर भारत में कोई आया विदेशी तो वो आर्यंस थे। इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, इसके बाद जो लोग आए वो चले गए, लेकिन आर्यंस आज भी इस देश के जल जंगल जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, इस देश की संसद पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। और एक बार फिर सभी को जो है विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक मंगलकामनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हमारी ओर से भी, और हम पुनः एक बार फिर पूरे सभी दर्शकों को MNT न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाई। और जैसा कि सर ने बताया है कि SC ST OBC सब भारत के मूल निवासी है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और विश्व मूल निवासी दिवस को लेकर जो भी आपके विचार आ रहे हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।